हेलो फ्रेंड्स, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मशरूम पकौड़ा की एक काफ़ी मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैकेट मशरूम को अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है और इसे इस तरह से बारीक काट लेना है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने सभी को काट लिया है। एक कप बारीक कटा हुआ मशरूम लिया है, एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है, थोड़े से धनिया पत्ती को बारीक काट लिया है, दो ग्रीन चिल्ली को बारीक काट लिया है, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक छोटी चम्मच नमक लिया है, एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, एक चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है। अब एक बड़े बोल में मशरूम को डाल लिया है। अब इसमें सभी को मिक्स कर देना है। सारे मसालों को भी मशरूम में मिक्स कर देना है। सभी को मशरूम में अच्छी तरह से मिला लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब इसमें 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देना है। इससे ये काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। सभी को मशरूम में मिक्स कर देना है। मशरूम में पानी होता है, हमें पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। यदि ड्राई लग रहा हो तो 1 चम्मच पानी डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसकी अच्छी से बाइंडिंग हो रही है। बैटर हमारा तैयार है, तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आँच को मीडियम स्लो रखना है, ज़्यादा तेज आँच पे इसे नहीं तलना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जितना तेल में आ जाए उतना ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। मीडियम स्लो आंच पे इसे उलट पुलट कर हमें लाल करना है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है और झटपट आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। शाम में चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब ये बिल्कुल लाल हो गए हैं। अब इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेना है। सभी को इसी तरह डालकर उलट पुलट कर लाल कर लेना है। अब ये भी लाल हो गए हैं, इसे भी टिश्यू पेपर पर निकाल लेना है। अब पकौड़ा सर्व करने के लिए रेडी है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट इस मशरूम पकौड़े को आप हरी धनिया की चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे बनाइए और मेरे चैनल देसी व्यंजन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।